फाइलम कॉडेटा इज डिडेड इन टू सब फाइलम सीफेलोकॉडेटा यूरोडेटा एंड वर्टिबरेटा लेट्स डिसकस अबाउट यूरोडेट्स यूरोडेट्स ऑर्गेनिजम्स दे लिव इन मेरीन इन्वायरमेंट और वो अपने आप को किसी भी सब स्टेट के साथ अटैच करके थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करते हैं यूरोडेट्स को हम सी स्क्ट्स भी बोलते हैं और ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं बिकॉज उनकी स्किन लैदरी होती है और उनकी स्किन में ट्यूनिक्स की बनी होती है जो कि एक स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन सेलुलोज और सॉल्ट्स का कंपोजिशन है ट्यूनिकेट्स या यूरोडेट्स अपने लार्वल स्टेज़स पर फ्री लिविंग होते हैं जबकि अडल्ट स्टेज पर आकर ये सिसाइल हो जाते हैं और ख़ुद को किसी भी सब्स्टेट के साथ अटैच कर लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेकनिज़म इज़ द फीडिंग मेकनिज़म यूरोडेट्स जब किसी सबस्टेट के साथ अटैच होते हैं तो वो किसी जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते तो उनमें फीडिंग मेकानिज़म में फ़िल्टर फीडिंग मेकनिज़म एग्जिस्ट करता है और अगर हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखें बेस्ड ऑन दिस मेकनिज़म तो इसके माउथ्स को हम या इसके बॉडी को हम जो जहाँ से ये अटैच है सबस्टेट से उसके ऑपोजिट साइड पर इसका दो साइफन जो दो होल होते हैं इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होती हैं जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये कॉर्डेट्स का एक स्ट्रक्चर है सी स्क्ट का डायग्राम दिखाई गई है जिसमें ये इसका जो टॉप पार्ट है जो कि ओपन एंड है इसमें वाटर सबसे पहले माउथ में एंटर होता है थ्रू औरल साइफन औरल साइफन से एंटर होता है वाटर और वॉटर या जो वेस्ट मटीरियल है वो बॉडी से एक्ट्रीट आउट होता है थ्रू एथ्रियल साइफन ये दो ओपनिंग्स या साइफन इनके बॉडी के उस पार्ट की तरफ होती हैं जो कि सबस्ट्रेट वाले पार्ट जहाँ से अटैच होता है उसके अपोजिट साइड पर अगर हम इसके फीडिंग मेकनिज़म को हम देखें तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं हम कि वाटर सबसे पहले इसकी बॉडी में एंटर होता है जो कि फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स से होता हुआ इसका जो एक्सक्रीशन या वाटर का आउटलेट है वो दूसरे एंड से एट्रियल साइफन से होता हुआ जो वाटर है आउटलेट जो है इसका वाटर बाहर चला जाता है अगर हम इसकी जो लार्ज ऑर्गेनिज़म्स की ईटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर इनके जो ओरल साइफन है यहाँ टेंटिकल्स लगे होते हैं जो बहुत ही बड़े जो ऑर्गेनिजम्स अगर या बड़े पार्टिकल्स ओरल साइफ़न से एंटर होने की कोशिश करें तो उन टेंटिकल्स का काम है एज अ डिफेंस आर प्रिवेंशन टू एंटर दी लार्ज फूड पार्टिकल्स लेकिन जो उससे थोड़े से स्मॉल होते हैं वो बॉडी में एंटर होते हैं थ्रू दिस ओरल साइफन और वाटर के थ्रू ही एंटर होते हैं लेकिन इसकी जो फेरिंग्स का पार्ट होता है फेरिंग्स वाली साइड पर छोटे छोटे सीलिया लाइक -like स्ट्रक्चर्स होते हैं और वहाँ से इनकी जो ये साइड है वहाँ से म्यूकस भी सिक्रीट आउट होता है अब म्यूकस की वजह से जो हार्ड बॉडी पार्ट्स हैं वो इस म्यूकस की एक्सटेंशंस के साथ या म्यूकस की मटेरियल के साथ अटैच होती हैं और अटैच होते के साथ ही ये सारा जो हार्ड मटेरियल है ये फूड पार्टिकल्स हैं वो सारे इंटस्टाइन से होते हुए जो कि इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं स्टमिक इसके इस बॉटम पार्ट के करीब है और इंटेस्टाइन में होता हुआ ये अपना डाइजेस्ट करते हैं और फिर बाद में जो वेस्ट मटेरियल है डिकम्पोज मटेरियल होता है वो यहाँ एट्रियल साइफन से बाहर निकल जाता है फिर हम बात करते हैं इसके बॉटम या सबस्टेटम या के साथ अटैच होने वाली पार्ट की यहाँ से ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके साथ इन्होंने जाके अटैच होना है तो अटैच होने के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी की एक्सटेंशन होती हैं जो कि इसकी बॉटम पार्ट से बाहर एक्सटेंडेड होती हैं इनको हम स्टोलन बोलते हैं और स्टोलन के थ्रू स्टोलन इनको हेल्प करती है किसी भी जगह पर अपने आप को कैप्चर रखने के लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेंसरी सिस्टम की या नर्वस सिस्टम की तो इनमें डॉर्सल गेंगलियॉन एग्जिस्ट करता है जस्ट इसके अपर एंड पर और गोनेड्स भी इसके एग्जिस्ट करते हैं जो कि इसके बॉटम एंड पर हैं इन गोनेड्स से जो रिस्पेक्टिव गैमेट्स हैं वो एट्रिया के थ्रू ही बाहर एक्सट्रीट आउट होते हैं या फिर वो यहाँ पर ही फॉर एग्जाम्पल यहीं पर एग्जिस्ट करेंगे या वो बाहर उस वाटर फ्लो के साथ बाहर निकल जाएंगे फिर इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट की तो हार्ट भी यहाँ पर है जो कि इसके बॉटम वाले पार्ट में अटैच है यहाँ पर है और यहीं पर ही सारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका यहाँ पर होता है इसका हार्ट जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और हार्ट में जो ब्लड है ब्लड का फ्लो यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है सबसे पहले यहाँ से ब्लड फ्लो करके सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है और फिर वापस से दोबारा हार्ट में आता है बट द एक्चुअल मैकेनिज्म इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय दी साइंटिस्ट के सारे मैकेनिज्म में ब्लड किस तरह से पंप होकर और फिर वापस से हार्ट की तरफ ही आ जाता है फिर उसके बाद है इसमें आ, हम बात करते हैं कि एक्सक्रीशन uh, के दौरान यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी मटीरियल है वो अमोनिया की शक्ल में या अमोनिया इसका मेन एक्सक्रीटरी कंपोनेंट है जो कि बॉडी से यहाँ एट्रियल साइफन के थ्रू एक्सट्रीट आउट हो जाता है अगर हम बात करते हैं इसकी लार्वल स्टेज की तो लार्वल स्टेज जो है वो लिटिल बिट वॉर्म लाइक ही होती है लेकिन आ, उसके अंदर नोटोकॉड और नर्व कॉड ये लार्वा है और लार्वी के अंदर नोटोकॉड प्लस नर्व कॉड एग्जिस्ट करती है बट जैसे ही मैटम या विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अडल्ट में चेंज होता है तो इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर और शेप चेंज हो जाती है और ये अपने आप को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करके सिसाइल कर लेता है और पूरी मॉर्फोलॉजी भी इसकी चेंज हो जाती है और इसके सबस्ट्रेट में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसके सबस्ट्रेट पर अटैच होने की वजह से या सिसाइल होने की वजह से इसके अंदर फिल्टर फीडिंग मैकनिज़म एग्जिस्ट करता है डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि यूरोकॉर्डेट्स में सी सिक्योर या की वो कैटेस्टिक्स आपको मॉर्फोलॉजिकली भी नज़र आती हैं जैसे कि उनकी स्किन है और उनकी ओपनिंग्स हैं ओरल ओपनिंग्स और एट्रियल ओपनिंग्स और उसकी अटैचमेंट भी आपको जैसा कि दिखाया गया है कि वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ किस तरह से अटैच होती है